हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर एक्साइटिंग वीडियो। गाइस चल रहे मेरे बीएड के एग्जाम, पढ़ते पढ़ते मैं हो रही थी बहुत बोर, तो मैं ऊपर वाले से प्रे करी थी भगवान कुछ एक्साइटिंग कर दो। और एक है उनने मेरे हाथ में दे मारा पर्पल का पार्सल, और एक नहीं उनने मारा ये सेकंड वाला भी, तो सेकंड वाला इतनी जोर से फेंका कि नाक मुंह सब जगह लग गया। चलो ओपन करते हैं। सो गाइस मैं पढ़ते पढ़ते हो रही थी बोर, तो अब भी मैंने ऊपर वाले से रिक्वेस्ट किया भगवान कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सब दो जिसको करने में मुझे भी मजा आया और मेरे ऑडियंस को भी देखने में मजा आया। करने में ना मुझे मजा आ रहा है और ना ही आपको ज्यादा देखने में मजा आएगा। तो बस मेरे पास आ गए दो दो पार्सल, कहां से पर्पल से, एक नहीं वो भी दो। चलो फटाक से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या मंगवाया है पर्पल से। और ये प्रमोशन की वीडियो है नहीं, अभी चल रही थी पर्पल पे सेल, तो पर्पल ने बोला था कि हर प्रोडक्ट 199 रुपीज, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हर एक प्रोडक्ट नहीं, कुछ उनके लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं जो मिल रहे हैं आपको 199 में, बाकी अदर जो चीज़ें हैं वो एक्यूरेट जो प्राइस है उसी प्राइस पे है। बस हाँ ये बोल सकते हो कि किसी में 10%, 15%, 20%, 25% ऑफ चल रहा है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है, ठीक है ना। रेडियो देखने के लिए, रेडियो ना देखने के लिए तो फटाक से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो और पहले से कमेंट करना शुरू कर दो कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार, पार्सल को करते हैं ओपन। ये रहे मेरे टू पार्सल, एक है बड़ा और एक है छोटा। तो पहले कौन सा खोला जाए, बड़ा या छोटा? अरे मैं तो छुप गई। चलो पहले स्टार्टिंग करते हैं इस छोटू पार्सल से, देखते हैं इनमें क्या है, फिर इसको खोलेंगे। सो गाइस ये जो छोटा वाला पार्सल था मैंने इसको खोल दिया है और आप देख सकते हो इसका जितना भी सामान था मैंने सब बाहर निकाल दिया। चलो देखते हैं कि इस वाले बॉक्स में क्या क्या निकला। तो सबसे पहले है ये पॉन्स की बीबी क्रीम की, जो कि 30 ml है और ये शेड 01 में है विद SPF 30, PA++++++, दो प्लस बस। और ये मेरे को कॉस्ट पड़ी है 275 रुपीज़, ठीक है। चलो इसको रखते हैं। सो गाइस सेकंड वाला जो प्रोडक्ट है वो है फिटमी का ये कॉम्पैक्ट इन द शेड ऑफ 128 वॉर्म न्यूड। तो ये देख सकते हो ये छोटे से स्मॉल से पैक में आता है, बिल्कुल लिटिल सा। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको ऑर्डर किया, इसके पहले मैंने फिटमी का कॉम्पैक्ट कभी यूज़ नहीं किया है। मैंने बहुत ज़्यादा सुना था कि 128 जो है वो इंडियन टोन के लिए काफ़ी बेटर है, और इसका प्राइस मेरे को पड़ा है 250 रुपीज़, यानी 250 रुपये का पड़ा ये मुझे। तो चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या कैसा है। सो फ्रेंड बन चुका है इसका पोपट, ये बिल्कुल भी मेरे स्किन टोन का नहीं है। ये देख सकते हो ये येलो टोन वालों के लिए, और येलो मेरी स्किन वैसे येलो टोन की है, लेकिन इसको अगर मैं नॉर्मली यूज़ करूँ, अभी अपने फेस पे यूज़ करूँगी तो मेरा फेस इससे बहुत ज़्यादा डल लगेगा। और ये बिल्कुल भी जो कॉम्पैक्ट लगाने से हल्की सी ब्राइटनेस या हल्का सा थोड़ा सा वाइट लगता है या थोड़ा सा अच्छा फेस लगता है, तो ये वैसा कुछ भी नहीं करेगा। ये मेरे फेस को कर देगा डार्क, क्योंकि इससे ये लगाने से मैं और भी थोड़ी काली लगूंगी, क्योंकि ये मेरे टोन से थोड़ा सा दबा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग होगा 115, यानी 115 जो शेड है वो मेरे लिए बेटर होता है, लेकिन मैंने ये वाला मंगाया है। देखते हैं अगर ये रिटर्न जाएगा तो कर देंगे, अदरवाइज उसको भी मैं ऑर्डर करके मंगा लूँगी। ये मैं अप्लाई कर सकती हूँ, ये मैं तब अप्लाई कर पाऊंगी अगर मैं थोड़ा सा बेस करूंगी, मेकअप वगैरह करूंगी, फाउंडेशन लगाऊंगी या फिर कंसीलर जो हम थोड़ा सा ब्राइटर शेड लगाते हैं अपने स्किन से, तो उसके लिए ये चीज़ परफेक्ट होगा। अगर जब भी कभी मेरा मेकअप थोड़ा वाइट कास्ट करेगा या ज़्यादा हो जाएगा, वाइट लगने लगेगा फेस, तो ये उस चीज़ को न्यूट्रल कर देगा। लेकिन ऐसे मैं अगर लगाऊंगी तो ऐसा लगेगा कि मैंने एक शेड मेरा जो है वो डाउन हो चुका है, मैं काली हो गई हूँ।
थर्ड चीज़ ये है, ये कंसीलर, ब्लू हेवन की कंसीलर, और ये प्रॉपर कंसीलर जैसा वर्क नहीं करता, इसको आप एज अ फाउंडेशन या हल्का सा क्या बोलते बीबी क्रीम, सीसी क्रीम के जैसा भी यूज़ कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादातर इस टाइप के जो ट्यूब कंसीलर्स होते हैं ये ज़्यादा थिक नहीं होते, ये बहुत लिक्विडी फॉर्म में होते हैं, इनको मैं सीसी क्रीम बीबी क्रीम में हल्का सा एक ड्रॉप मिक्स करके अप्लाई कर लेती हूँ, तो उससे मुझे फाउंडेशन लगाने की या अलग से कंसीलर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने एक पम्प बीबी क्रीम लिया या सीसी क्रीम जो भी लेते हो लिया और इसको थोड़ा सा मिलाया और हैंड से ही लगा लिया, आराम से लग जाएगा, ना कॉम ना आपको उसमें ब्रश ना ही फिर ब्यूटी ब्लेंडर किसी भी चीज़ की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बहुत ईजीली अप्लाई भी हो जाता है और आपका फेस जो है थोड़ा सा ब्राइटन भी लगता है। तो इसका शेड मेरे शेड से एक शेड लाइट है, देख सकते हो ना, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। और ये बहुत जल्दी स्किन के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस सो नेक्स्ट है ये लिपस्टिक, और ये कौन सी कंपनी है भैया, वेला बॉस्टे। इसका रिव्यू बहुत खतरनाक का था पर्पल पे, मतलब जैसे मैं रिव्यू पे इसके रिव्यू पे गई तो वो अप्रॉक्स 5000 के ऊपर आया था, कि 5000 5500 लोगों ने इसको यूज़ किया और सबने एक नंबर का रिव्यू दिया था। और इसका शेड नंबर है 13 डार्क फोन, मतलब ये न्यूड टाइप का शेड है, ना ही ज़्यादा न्यूड बोल सकते हो आप इसको और ना ही आप इसको बोल्ड बोल सकते हो, ये बीच वाला है एवरेज। और इस पे प्राइस लिखा हुआ है 299, लेकिन अगेन ये मेरे को पड़ा है 250 रुपीज़, 250 रुपये का। तो चलो मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ और मैं भी देखती हूँ कि जैसा मेरे को इमेज में दिखा था वैसे ही है कि नहीं है। ये आपको शायद रेड दिख रहा होगा लेकिन ये रेड नहीं है, ये काइंड ऑफ कैसा कलर मैं आपको बताऊंगी, है ये है ईंट टाइप का कलर, जैसे वो ईंट का कलर होता है ना उससे थोड़ा सा डार्क टाइप का ईंट वाला कलर, एग्जैक्ट वही है। और अब आप समझ जाना क्या कैसा है, लेकिन लग बहुत प्यारा रहा है ये। तो नेक्स्ट वाला जो है वो है एन वाई डे का ये काजल, और ये बोल और इन्होंने बोला है कि ये वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग, हाई पिगमेंटेशन, इंटरेक्ट कलर, सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। चलो ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। और इसमें प्राइस डला है 129, लेकिन ये मेरे को पड़ा है 110 रुपये का। तो ये पिगमेंटेड तो बहुत ज़्यादा है और कलर जो है वो भी बिल्कुल डार्क ब्लैक है इसका, जितना मैं देख सकती हूँ। अब ये स्मज प्रूफ देखना है, और ये आप देख सकते हो ये स्मज भी नहीं होता है, इन द सेंस अगर बोला जाए तो ये मैट फिनिश दे रहा है, कि आपने लगाया और ये देख सकते हो मैं अच्छे तगड़े तरीके से इसको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये फैला नहीं है। तो इसका मतलब आप आँखों में लगाओगे तो ये फैलेगा नहीं, बिल्कुल वैसे ही का वैसा सेट रहेगा, लेकिन इसको जब आप निकालोगे रिमूव करोगे तब बहुत परेशानी जाएगी, क्योंकि ये जल्दी रिमूव भी नहीं होगा, चलेगा तो बहुत देर तक ये गारंटीड है, लेकिन बाय मिस्टेक अगर आपने इसको अप्लाई किया ये थोड़ा ज़्यादा हो गया या थोड़ा इधर उधर फैल गया, तो आप सोचो कि मैं इसको जल्दी से साफ करूँ तो आपका मेकअप पूरा साफ होने वाला है। तो ये बेनिफिशियल भी है और थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी दे रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा प्रोडक्ट है। एंड द लास्ट, लास्ट नहीं बोल सकते बट इस वाले पार्सल का लास्ट, वो ये दो सीट मास्क, दोनों ही मम्मा अर्थ के हैं, एक है कोको वाला कोको बैम्बू शीट मास्क एंड सेकेंड वन इज हाइलोरोनिक बैम्बू शीट मास्क, मतलब बैम्बू इसका कॉमन ही है सब में, तो ये दो शीट मास्क हैं। चलो उसको रख देते हैं, इसमें क्या ही बताऊँ ये तो आप सब जानते होंगे। चलो अब बारी आती है पार्सल नंबर टू को खोलने की, जल्दी जल्दी से खोलते हैं, अब जल्दी से मैं पहले खोल के सारी चीज़ें यहाँ निकाल लूँ फिर आपसे मिलती।
मेरे को खराब गई। इसको ये बजाने में किसने को बजा रहा है, तो गाइज ये फर्स्ट जो इसमें निकला वो है गुड वाइब्स का ये शैम्पू। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये वाला शैम्पू। और ये एज यूजुअल गुड वाइब्स मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। अगर आप देखते हो मेरे को तो जानते हो मैं गुड वाइब्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है और ये इसका रिव्यू भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने इसको फटाक से ऑर्डर कर दिया और इसमें लिखा है 375 रुपीज़, लेकिन ये मेरे को पड़ी है 320 रुपीज़ की। तो अब इसका तो मेरे को फर्स्ट टाइम लिया था, यूज़ करके दिखाऊंगी और ये मैं ऐसे टेस्ट करके भी आपको नहीं दिखा सकती। तो इससे मैं जब हेड वॉश करूँगी इसके बाद आपको रिव्यू दूंगी कि ये क्या कैसा है। तो इसको साइड में रखते हैं। नेक्स्ट ये भी है गुड वाइब्स का ये फेशियल ऑयल। मैं तो स्टार्टिंग से इसको यूज़ करती हूँ लेकिन अभी बीच में मिलना बंद हो गया था। तो जैसे ही मैंने पर्पल पे देखा तो मैंने ये बड़ी वाली बॉटल जो है इसकी ऑर्डर कर दी। ये 300 ml की और इसने मेरे को कॉस्ट किया है फिर से, इसका प्राइस है 299 लेकिन मेरे को मिला है 255 रुपीज़ में। इसको मैं क्या यूज़ करके दिखाऊंगी, तो फेशियल ऑयल या सीरम आप सब जानते हो कैसे यूज़ होता है, आप वो कर सकते हो। देन उसके बाद जो थर्ड वाली चीज़ इसमें है वो ये है नई सी चीज़। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, अभी ट्रेंडिंग नहीं बोल सकते, मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ने इसका रिव्यू दिया है कि एक नंबर का बेस्ट प्रोडक्ट है। एक्चुअल में मेरे साथ क्या है कि मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यूज़ करना नहीं चाहती हूँ, बट मैं सूट नहीं होता है। जैसे कि लैक्मी वाला हो गया या लैक्मी का है, लोटस का है, हिमालय का है, मेरे पास 4-6 पड़े हुए हैं लेकिन वो मेरे स्किन पे ब्लैक कास्ट करते हैं। अभी जैसे मैंने कोई सनस्क्रीन अप्लाई किया और 5 से 10 मिनट में मेरा फेस इतना ब्लैक होता है कि आपको लगेगा जैसे मैंने कोई ब्लैक कलर का कंसीलर या कोई कॉम्पैक्ट थोप के रखा है। मतलब एक अजीब सा ही लुक आता है, डार्क 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 से एक पूरी परत जम गई हो फेस के ऊपर। ये तो छोटू सा पैक है, ये न्यूट्रीजेना का है, न्यूट्रीजेना का अल्ट्रा सीर सनस्क्रीन SPF 50++ के साथ दिया उन्होंने। ये 30 ml की बॉटल है और ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, ठीक है। और इसमें हीलियोप्लेक्स ब्रॉड स्पेक्टर UVA UVB PA PP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 
ये मेरे को मिली है ऑलमोस्ट 300 के लगभग। इतना छोटू सा जो ये पार्सल है, पार्सल नहीं बोल सकते, इतना छोटा सा प्रोडक्ट है और ऑलमोस्ट ये 300 रुपीज़ का मिला है मुझे। चलो कोई बात नहीं, अगर सूट कर जाए तो कॉस्ट मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि ये मेरे को सूट करता है या ये भी बाकियों की तरह साइड में पड़ा होगा। तो ये थी मेरी चीज़ें, और अब मुझे इनके तरफ, पर्पल के तरफ से, पर्पल तो नहीं बोल सकते, गुड वाइब्स से मैंने इतनी सारी शॉपिंग की, तो गुड वाइब्स की तरफ से मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं फ्री। वो एक मिला इंस्टेंट फेस वॉश, इंस्टेंट ग्लो फेस वॉश, उपटन उपटन फ्लेवर में, एक छोटू सा देख सकते हो ये, एक या ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूज़ के लिए बना हुआ है। ये टेस्ट के लिए उन्होंने दिया है कि आप देखो अप्लाई करो, अच्छा लगे तो नेक्स्ट टाइम ये भी ऑर्डर कर देना। तो एक मिनी मिला है फेस वॉश, देन और ये क्या मिला है, इसमें भी कुछ है, चलो देखते हैं क्या है। अच्छा तो ये ग्रीन, ये भी फेस वॉश है, ये ग्रीन टी वाला फेस वॉश मिला है मुझे। और ये मिला है एक डीप क्लींजर फेस मास्क एक्टिवेटेड चारकोल, तो ये चारकोल वाला एक मेरे को मास्क मिला हुआ है। ये 2 चीज़ें और एक ये फेस वॉश, ये 3 चीज़ें मेरे को गुड वाइब्स की तरफ से गिफ्ट में मिला है, कॉम्प्लीमेंट्री। ओके और ये क्या है, एक ये छोटू सा, ये क्या है, कुछ है भी इसमें, खोल के देखते हैं। चिट्ठी विट्ठी तो नहीं दे रही मुझे, पर्पल थ्रू ज्वेल 24 के गोल्ड प्राइम। अच्छा तो ये पर्पल की तरफ से इससे मेरे को मिला है, मैंने इतना सारा जो शॉपिंग किया उसके बदले मुझे ये इतना बड़ा सा गिफ्ट मिला। ये देख लो, ये एक छोटू सा एक यूज़ के लिए प्राइमर दिया हुआ है इनने, इसमें एक शैम्पू की पैकेट जैसा कुछ है, ये देख लो भाई साहब। तो ये मिला है पर्पल की तरफ से गोल्ड 24 के गोल्ड प्राइमर, तो मेकअप के पहले ये प्राइमर को लगा और मुंह को सोने जैसा चमका। सो गाइज ये थी मेरी सारी की सारी पर्पल की शॉपिंग।
तो ये इतनी सारी मेरी शॉपिंग थी जिसके लिए मुझे इतने इतने सारे पैसे देने पड़े, कोई बात नहीं, चलो होता है। सो गाइस चलो मैं इन सबको अरेंज करके रखती हूँ। मैं अब यही सारे प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ और इन सारे प्रोडक्ट की हेल्प से मैं अपना लुक कंप्लीट करूँगी। एक पार्टी है कल, एक फंक्शन में जाना है, उसके लिए मैं यही सारी चीज़ें यूज़ करूँगी। आप एक बार देख लो ढंग से, ये रही वो लिपस्टिक, ये रहा वो कंसीलर, ये रहा वो कॉम्पैक्ट, ये रहा वो बेबी क्रीम, ये रही वो काजल, ये सनस्क्रीन, और यही फेस वॉश से मैं मुंह भी धो लूँगी, यही प्राइमर मैं अप्लाई कर लूँगी, और ये मैं मेकअप के पहले ये वाला फेशियल ऑयल भी लगाऊंगी, और देन इस वाले शैम्पू से सुबह नहाऊंगी भी। तो ये सारी चीज़ों का मैं रिव्यू आपको कर दूँगी, और देखते हैं ये सारी चीज़ें जब साथ में यूज़ करते हैं तो क्या बेटर रिजल्ट लेके आता है, क्या अच्छा लगता है, और इससे एक्चुअल मेकअप लुक जो है वो कैसा निकल के आता है। तो जो चीज़ें भी जैसी भी हैं तो उसके लिए बने रही है कल तक नहीं बने रही, मतलब इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मोस्ट मेकिंग दुनिया, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। गाइस बाय बाय, लव यू, कल मिलते हैं मेकअप वीडियो के साथ, सुबह बने रहिए, बाय।